हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। जन्माष्टमी आ रही है तो आज की रेसिपी भी जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। आज हम बना रहे हैं फास्ट के लिए खट्टे ढोकले। तो उसके लिए हमें चाहिए ये सामा जो आता है मोरे या जिसको बोलते हैं या फिर व्रत के चावल भी कहा जाता है, वो मैंने लिए हैं। आलू, कर्ड, ग्रीन चिली, जिंजर, कोरिएंडर एंड सम स्पाइसेस। इसके लिए सबसे पहले हम सामा लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये ऐसा मैंने पीस लिया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। ये मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको हम कट कर कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कच्चे ही आलू हैं। इसके साथ इसके अंदर एक ग्रीन चिली और एक इंच का जिंजर का टुकड़ा मैंने लिया है, वो भी ऐड कर देंगे और पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रफली क्रस्ट हो गया है। इसको हमें पहले ऐसे ही ड्राई क्रश करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 कप कर्ड ऐड करेंगे और फिर से इसको पीस लेंगे। ये ऐसा हमने पीस लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप आप सेट कर लीजिएगा, उसी से सारे मेजरमेंट लेने हैं। अभी हम इसको वापस पीस लेंगे। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये हमें इतना लिक्विड चाहिए, ज़्यादा थिक रहेगा तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इतनी ऐसी हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अभी हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। जो आप फास्ट में खाते हो वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। मैंने स्टीमर रेडी करके रखा हुआ है। मेरे पास ये स्टीमर है ढोकले और इडली का। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। स्टैंड रखकर उस पर कोई भी प्लेट आप रख दीजिए, लेकिन ऐसी डीप होनी चाहिए जिसमें हमें ढोकला अच्छे से बन सके। अब हम इसमें 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टीमर भी रेडी है, पानी गर्म हो गया है नीचे, तो इसको हम इसके अंदर पोर कर देते हैं। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अभी ये हो गए हैं 10 मिनट। मैंने इसको स्टीम करने के लिए रखा था। ये देखिए नाइफ क्लीन आई है, लेकिन इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। अभी हमें इस पर एक तड़का लगाना है, वो रेडी करेंगे। इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करते हैं इसके अंदर। फिर 10 पान करी पत्ता और 1 टीस्पून तेल। अभी ये रेडी है। अब हम इसको ढोकले पर ऐड कर देंगे। इसको हमें अच्छे से इस पर फैला देना है, क्योंकि ये व्रत के ढोकले हैं तो मस्टर्ड व्रत में नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स नहीं लिए हैं। 5 मिनट मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इस पर तड़का लगाया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप जो भी शेप में चाहें कट कर सकते हो। इसके ऊपर हम धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा और कितने जालीदार बने हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे इंस्टेंट फराली ढोकला।